देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। ऐसे में कोरोना ने बिहार में भी रफ्तार पकड़ ली है। पूरा स्वास्थ्य महाकामा कोरोना से लड़ने में लगा हुआ है। वहीं पटना पीएमसीएच के कुछ जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन पर ही सवाल खड़े किए हैं। जूनियर डॉक्टर ने कहा है कि पीएमसीएच में सिस्टम का अभाव है, जिसके कारण डॉक्टर तक संक्रमित हो रहे हैं। उन्होंने पीएमसीएच के कुव्यवस्था को भी उजागर किया है। इन जूनियर डॉक्टरों का सवाल कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए आईना है। आप भी सुनिए जूनियर डॉक्टर का क्या कहना है। करने के लिए जो कार्ड प्रणाली होता है, जो भी आइसोलेशन वार्ड होता है कोविड पॉजिटिव पेशेंट का या आइसोलेशन वार्ड जो होता है, वहाँ पर डॉक्टर्स का कैसे ड्यूटी लगना चाहिए ड्यूरिंग दैट पीरियड, और डॉक्टर्स कहाँ पर रहेंगे और किस तरह से इलाज किया जाएगा। जैसे अगर कोई डॉक्टर्स वहाँ पर ड्यूटी कर रहे होते हैं, अगर वो कॉमन हॉस्टल में रहते हैं तो उससे दूसरे डॉक्टर्स में संक्रमण फैलने का डर है। फिर वही डॉक्टर्स अगर कहीं और भी ड्यूटी कर रहे हैं नॉन कोविड वार्ड में भी, तो वहाँ के पेशेंट को भी कोविड फैलने का डर है। इन्हीं सब रीजन की वजह से आप देखे होंगे कि इन दिनों पीएमसीएच में काफ़ी डॉक्टर्स और वर्किंग स्टाफ पॉजिटिव आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई कार्ड प्रणाली ही नहीं बना हुआ है अभी तक कि कैसे किससे ड्यूटी लेना है। इसके लिए एम्स पटना का भी अपना एसओपी है, सारा कॉलेज जो है सब अपना एसओपी बना चुका है कि कैसे कैसे किससे काम लेना है। डॉक्टर अगर किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आ जाता है तो उसको कैसे आइसोलेट करना है, लेकिन ऐसा अभी तक कोई गाइडलाइन पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक नहीं बनाया है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि पीएमसीएच में सबसे ज़्यादा डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फैसिलिटी ही नहीं है कि कैसे किसको आइसोलेट करना है। अगर कोई डॉक्टर पॉजिटिव आ गया और उसके हम ड्यूटी किए हैं तो हमको कहाँ रखा जाएगा, इसका कोई इनके पास उपाय नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं इसके लिए लोग। और फिर हमको जा करके फिर वहीं जाकर ड्यूटी करना है, तो हमसे भी जो संपर्क में आएंगे उन भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अभी तक ये गाइडलाइन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि 3-4 महीने पहले भी हम लोग इस बात को रखे थे, फिर हम लोग इस बार 1 हफ्ते पहले भी इस बात को रखे हैं, लेकिन ऐसा कुछ ये लोग नहीं कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा वजह है कि पीएम सदस्य सबसे ज़्यादा भारी संख्या में डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं। अपना नाम बताइए। दीपक कुमार सिंह। करने के लिए जो कार्ड प्रणाली होता है, जो भी आइसोलेशन वार्ड होता है कोविड पॉजिटिव पेशेंट का या आइसोलेशन वार्ड जो होता है, वहाँ पर डॉक्टर्स का कैसे ड्यूटी लगना चाहिए ड्यूरिंग दैट पीरियड, और डॉक्टर्स कहाँ पर रहेंगे और किस तरह से इलाज किया जाएगा। जैसे अगर कोई डॉक्टर्स वहाँ पर ड्यूटी कर रहे होते हैं, अगर वो कॉमन हॉस्टल में रहते हैं तो उससे दूसरे डॉक्टर्स में संक्रमण फैलने का डर है। फिर वही डॉक्टर्स अगर कहीं और भी ड्यूटी कर रहे हैं नॉन कोविड वार्ड में भी, तो वहाँ के पेशेंट को भी कोविड फैलने का डर है। इन्हीं सब रीजन की वजह से आप देखे होंगे कि इन दिनों पीएमसीएच में काफ़ी डॉक्टर्स और वर्किंग स्टाफ पॉजिटिव आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई कार्ड प्रणाली ही नहीं बना हुआ है अभी तक कि कैसे किससे ड्यूटी लेना है। इसके लिए एम्स पटना का भी अपना एसओपी है, सारा कॉलेज जो है सब अपना एसओपी बना चुका है कि कैसे कैसे किससे काम लेना है। डॉक्टर अगर किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आ जाता है तो उसको कैसे आइसोलेट करना है, लेकिन ऐसा अभी तक कोई गाइडलाइन पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक नहीं बनाया है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि पीएमसीएच में सबसे ज़्यादा डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फैसिलिटी ही नहीं है कि कैसे किसको आइसोलेट करना है। अगर कोई डॉक्टर पॉजिटिव आ गया और उसके हम ड्यूटी किए हैं तो हमको कहाँ रखा जाएगा, इसका कोई इनके पास उपाय नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं इसके लिए लोग। और फिर हमको जा करके फिर वहीं जाकर ड्यूटी करना है, तो हमसे भी जो संपर्क में आएंगे उन भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अभी तक ये गाइडलाइन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि 3-4 महीने पहले भी हम लोग इस बात को रखे थे, फिर हम लोग इस बार 1 हफ्ते पहले भी इस बात को रखे हैं, लेकिन ऐसा कुछ ये लोग नहीं कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा वजह है कि पीएमसीएच में सबसे ज़्यादा भारी संख्या में डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं। अपना नाम बताइए। दीपक कुमार सिंह। आप लोग को डर नहीं लगता है ऐसे ही इस इतने गंदे सिचुएशन से आप लोग उधर से आ रहे थे? डर तो लग रहा है मैम, लेकिन हम लोग कर कह सकते हैं क्या, कितना मुश्किल होता है? तो वो मुझे करता है इधर बताइए, सब पीपीई किट फेंका हुआ है, सब कोरोना का जितना खतरा चल रहा है, आप लोग को आने जाने में कितना तकलीफ होता है, कितना डर लगता है संक्रमण का? डर तो है लेकिन मजबूरी है ना जाने में। तो अस्पताल क्या प्रबंधन क्या व्यवस्था कैसा आपको दिख रहा है अभी? तो सर हमको अच्छा नहीं लग रहा है सफाई के लिए। क्या लगता है कि यहाँ पे बीमारी को कंट्रोल किया जा रहा है या और प्रसार किया जा रहा है? सर कह नहीं सकते हैं, इससे तो बीमारी बढ़ेगा।